टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा रद्द हो चुका है। इस दौरे से देश कई उम्मीदें लगाए बैठा था। पीएम मोदी से मस्क की मुलाकात में निवेश से लेकर कई बड़े ऐलान किए जाने की चर्चा थी। भारत में टेस्ला प्लांट के लिए 2 से 3 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ ही भारत को स्टारलिंक सैटकॉम के जरिए इंटरनेट की बुलेट स्पीड से रूबरू कराने के काम को तेज करना था। लेकिन शनिवार को सभी को निराशा हाथ लगी जब मस्क ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि वो अभी भारत नहीं आ सकेंगे। अब वो साल के अंत में भारत आने का प्लान कर रहे हैं। बता दें, मस्क के 22 अप्रैल को भारत आने की खबरें थी। अब सवाल है कि क्या ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी भारतीयों की उम्मीद। दरअसल पिछले काफी वक्त से मस्क भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टारलिंक के आने से देश में दूर दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा मिल सकेगी। ऐसे में क्या मस्क के प्लान पोस्टपोन करने से टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास लगी स्टारलिंक की अर्जी भी पोस्टपोन हो जाएगी। चलिए आज वीडियो में जानते हैं क्या बला है स्टारलिंक, देश में क्या होगा, इसका भविष्य कैसी रहेगी, इसकी सुगबुगाहट और इसके आने से क्या जियो एयरटेल के उड़ेंगे होश। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। स्टारलिंक एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन सिस्टम है, यानी हजारों सैटेलाइट का एक ग्रुप जो धरती से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर है और पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ पूरी दुनिया को कवर करता है। इसका मकसद दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स दूसरे सैटेलाइट्स के मुकाबले लो ऑर्बिट में है, जिससे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। बता दें, मई 2023 तक स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 4000 से ज्यादा सैटेलाइट थी। अब सवाल है कि सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टारलिंक या कोई और एक हाई फ्लाइंग सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, जो इसे आपके एंटीना पर वापस भेज देता है। फिर सिग्नल एक मॉडम को भेजा जाता है, जो आपके घर में इंस्टॉल होता है और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इनेबल कर देता है। स्टारलिंक अपने सब्सक्राइबर्स को एक किट प्रोवाइड करता है। इसमें कोई केबल या फाइबर नहीं है। यही कारण है कि ये दूर दराज के इलाकों में काफी फायदेमंद या उपयोगी हो सकता है। मस्क ने हमेशा दूर दराज इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड करने की सुविधा के लिए काम किया है और वो उसी पर जोर देते आए हैं। जैसे कि ये समस्या भारत में भी मौजूद है और दूसरे देशों के रिमोट लोकेशंस को लेकर। बता दें, स्टारलिंक एक इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट किट देता है। इसमें स्टारलिंक एंटीना है, जो एक डिश है। इसे वहां इंस्टॉल किया जाएगा जहां आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी चाहते हैं। इसमें एक राउटर, एक सैटेलाइट लिंक केबल और एक एसी केबल भी शामिल है। स्टारलिंक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आसमान का क्लियर व्यू बहुत जरूरी होता है। इससे इसे सैटेलाइट से जुड़े रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रही होती है। आपके स्टारलिंक और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन में पेड़ की डाली, खंबा या छत रुकावट हो सकता है। आइए अब बात करते हैं स्टारलिंक और भारत के कनेक्शन की। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्टारलिंक की इंडिया में आने की बात हो रही है। आपको बता दें, 2021 में भी स्टारलिंक ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक लोकल यूनिट के जरिए भारत में अपनी सर्विस को रजिस्टर किया था। कंपनी का प्लान दिसंबर 2022 तक 2,00,000 ग्राहकों तक पहुंचाने का था। घोषणा के बाद कंपनी को 5,000 प्री ऑर्डर भी मिले थे। 2021 के अंत में सरकार ने स्टारलिंक से कहा था कि भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्हें पहले लाइसेंस लेना होगा। यही नहीं, सरकार ने कंपनी को ज्यादा बुकिंग लेने के लिए चेतावनी भी दी थी। सरकार ने साथ ही लोगों को स्टारलिंक की सेवाएं न खरीदने के लिए भी सूचित किया था। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टारलिंक की फाइल अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय से फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं और इस बार के मस्क के दौरे के दौरान इस फाइल पर फाइनल अप्रूवल साइन होने की उम्मीद थी। लेकिन अब तो वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको कब तक फाइनल कर पाती है। लेकिन ये तो तय है कि स्टारलिंक के भारत में एंट्री से इंडिया के इंटरनेट इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा। रिमोट और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट काफी उपयोगी हो सकता है। इसके तहत यूजर्स को 25 और 220 एमबीपीएस के बीच डाउनलोड स्पीड मिल सकती है। स्टारलिंक के मुताबिक अपलोड स्पीड आमतौर पर 5 से 20 एमबीपीएस के बीच है।
खास तौर से जब इंडिया में 5G की पहुंच को बढ़ाने के लिए काम चल रहा है, ऐसे समय में स्टारलिंक की सुगबुगाहट पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि ये तय है कि स्टारलिंक के भारत आगमन से जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ सकती है। रिपोर्ट की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को सबसे सस्ते में लॉन्च करने की स्टारलिंक कोशिश कर रहा है, ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस काफी कॉस्टली है। अमेरिका में स्टारलिंक $120 प्रति माह से शुरू होता है, जो कि करीब ₹10,000 है, और स्कीम के आधार पर ये $5,000 तक भी जा सकता है। इस बीच इक्विपमेंट की लागत $500 से शुरू होकर $2,500 तक जाती है। इस समय स्टारलिंक अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अवेलेबल है, और समय के साथ इस लिस्ट में और नाम भी ऐड हो रहे हैं। कुछ समय पहले आई ओकला की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और कनाडा में स्पीड में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। कनाडा में डाउनलोड स्पीड 93.97 MBPS दर्ज की गई, जो किसी भी दूसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर की तुलना में तेज है। स्टारलिंक को लेकर आपकी क्या है राय? क्या वाकई मस्क के दौरा रद्द करने से इसके भारत में एंट्री में होगा डिले, या फिर भारत में जियो एयरटेल को टक्कर देने जल्द आएगा स्टारलिंक? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।